तो हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले इंट्रोडक्शन पार्ट। इसमें हम बात कर रहे हैं मोशन इन स्ट्रेट लाइन। तो मोशन इन स्ट्रेट लाइन, तो मोशन जो है वो बहुत ही कॉमन वर्ड है यहाँ पर यूनिवर्स में। जैसे कि हम दौड़ते हैं, चलते हैं, साइकिलिंग करते हैं, या जो भी चीज़ें हैं उसको हम या मैं कहूँ कि पेड़ से पत्ते गिर रहे हैं, ये सब क्या है? ये मोशन है। तो मोशन को हम किस तरह से डिफ़ाइन करेंगे? सबसे पहले तो हम ये लिखेंगे, इस चैप्टर का पहला डेफिनेशन जो लिखेंगे वो लिखेंगे व्हाट इज़ मोशन। तो व्हाट इज़ मोशन, मोशन लिखिए, मोशन इज़ चेंज इन पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विथ टाइम। यानी टाइम के साथ अगर कोई ऑब्जेक्ट अपना पोजीशन चेंज करता है तो उसको हम कहते हैं कि ऑब्जेक्ट जो है वो मोशन में है। अब मोशन जो है, यहाँ पर हम स्ट्रेट लाइन की बात करेंगे तो स्ट्रेट लाइन मोशन को हम रेक्टिलिनियर मोशन भी कहते हैं। यानी अगर किसी भी मोशन में ऐसा होता है कि जो एक्सीलरेशन है वो कांस्टेंट है तो उसको हम कहते हैं रेक्टिलिनियर मोशन। यानी एक्सीलरेशन जो है वो बार बार रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी जो है वो बार बार चेंज नहीं हो रहा है, तो हम वहाँ पे कहते हैं कि रेक्टिलिनियर मोशन। ठीक है, यानी इसको इस तरह से हम डिफाइन कर सकते हैं। अब दूसरा डेफिनेशन लिखेंगे रेक्टिलिनियर मोशन, यानी ऐसा मोशन जो एक स्ट्रेट लाइन पर मूव कर रहा होता है कोई ऑब्जेक्ट, तो उसको हम कहते हैं रेक्टिलिनियर मोशन। या मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट, रेक्टिलिनियर मोशन का डेफिनेशन लिखिए, मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स अलोंग अ स्ट्रेट लाइन इज नोन एज रेक्टिलिनियर मोशन, या इसको हम ऐसे कह सकते हैं लीनियर मोशन। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे पोजीशन की। सो पोजीशन क्या है, पाथ लेंथ क्या है और डिस्प्लेसमेंट क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि पोजीशन क्या है। तो पोजीशन का मतलब, अगर यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कि पहले सबसे यहाँ पे देखिए कि मोशन इज़ द चेंज इन पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद टाइम। अब अगर हमें पोजीशन डिफाइन करना है, यानी पोजीशन एक ऐसा पॉइंट होता है जिसमें हम सारे उसके डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड सारी चीज़ें हम उसमें डिफ़ाइन करते हैं। यानी लोकेशन जो है वो होता है, यानी जैसे कि हम बात करें इसको डिफ़ाइन करने के लिए कि कोई पॉइंट है, रेफरेंस पॉइंट हमने लिया हुआ है O, और उसके कोऑर्डिनेट्स को हम डिफ़ाइन कर रहे हैं एक्स वाई जेड में। तो अगर हमने कोऑर्डिनेट्स डिफ़ाइन कर दिया है तो उसको हम इस तरह का जो रेफरेंस पॉइंट होता है उसको हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहते हैं। और अगर ये कोऑर्डिनेट्स जो है वो टाइम के साथ चेंज हो रहे हैं तो हम ये मान लेते हैं कि वो जो ऑब्जेक्ट है वो मोशन में है। ठीक है, यानी कोई भी रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट हम लेते हैं और उसको हम क्या करते हैं, एक्स वाई जेड एक्सिस जो है वो आपस में जो परपेंडिकुलर एक एक्सिस बनाते हैं और उसमें जो इंटरसेक्शन पॉइंट होता है उसको हम पॉइंट ओ कहते हैं, और ये रेफरेंस पॉइंट है, और इसके जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं वो पोजीशन को डिफाइन करते हैं या डिस्क्राइब करते हैं। ठीक है, और ऐसे कोऑर्डिनेट सिस्टम को हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहते हैं। और अगर ये जो कोऑर्डिनेट्स हैं ये टाइम के साथ बार बार चेंज होते रहते हैं तो उसको हम कहते हैं फ्रेम की जो ऑब्जेक्ट है वो मोशन में है। तो इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम और बात करेंगे। धन्यवाद।